साहेब थँक यू. आमच्यासाठी तुम्ही रात्री जागता साहेब, त्यासाठी थँक यू. गुड नाईट. सो हॅलो दोस्तों, कैसे हो आप सब. सो मैं वॉयजर इंडियन और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है. मतलब स्पेशल इस तरह से कि मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ और कुछ लोगों को मेरे बारे में गलत फहमियाँ है कि मैं मोटो व्लॉग्स क्यों करता हूँ, ऐसे वीडियोस क्यों डालता हूँ यूट्यूब पे. तो पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं सब क्यों करता हूँ. तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि मेरे बारे में जो कुछ भी गलत फहमियाँ हो आपको तो दूर हो जाए. तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि मेरा चैनल दरअसल है क्या. तो बेसिकली मैं मोटो व्लॉग्स क्यों करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली दरअसल मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरा बाइक से कम्यूट ज़्यादा होता है. तो मैंने सोचा सेफ्टी के लिए मैं गोप्रो ले लिया मैंने, तो कंटेंट काफ़ी मिल जाता है और लोग ऐसे ऐसे चलाते तो मैं उनको फाइन भी कर देता हूँ फिर. तो ये दरअसल मुझे पसंद है ऐसा करना, लोगों को उल्टा अवेयरनेस देना रोड सेफ्टी के बारे में, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के बारे में. मैं यहाँ पे कुछ पैसा वैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ. मेरा एक्चुअली खुद का फैमिली बिजनेस है जिसमें काफ़ी अच्छी इनकम है और मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ भी है कि जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ. तो मैं यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए नहीं आया. सो मेरा मेन रीज़न सिर्फ एक ही है यूट्यूब पर आने के लिए, कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो वीडियोस से अगर मैं कुछ अच्छा आपको बता पाऊँ कि मेरे वीडियोस में बैड ड्राइवर जो आप देख रहे हो तो आप उनकी तरह बनना मत, तो आप रूल्स फॉलो कर सको और काफ़ी अच्छे ड्राइवर्स हो इंडिया में, तो मैं यही चाहता हूँ. तो इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल पर मोटो व्लॉग स्टार्ट किया. और बात करता हूँ मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बोलने की, कि सबसे पहले मेरे जो चैनल के आप वीडियोस अगर स्टार्टिंग के आप देखोगे, एकदम स्टार्टिंग के जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो उन वीडियोस में आपको कार के रिव्यूज ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि मैंने कार्स के मैं वीडियोस पहले कार के बारे में बनाना चाहता था कि कार के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दे पाऊँ आपके बारे में. तो मैंने कार से शुरुआत की, फिर मुझे कॉन्टेक्ट मिलते थे कार्स के बट टाइम नहीं मिलता था कॉलेज लाइफ से. तो मोटो व्लॉग्स तो मैं कर पा रहा हूँ, तो रात में थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, दिन में टाइम मिल जाता है कॉलेज जाने आने में, तो उतने में मोटो व्लॉग्स कर लेता हूँ और कंटेंट भी जैसे कि मैंने आपको बताया तो मिल जाता है मुझे. तो मेरा मोटो व्लॉग्स करने का मेन यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को अच्छी सलाह दे सकूँ, अच्छी एडवाइस दे सकूँ कैसे राइड करना है, ऐसे बैड ड्राइवर्स उन लोग की तरह मत बनो. और एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मुझे आपसे ये क्लैरिफाई करनी है कि जो मेरा वीडियो अभी लेटेस्ट वाला आया था कि आई लॉस्ट माई कूल, सो वो वीडियो के बारे में काफ़ी गलत फहमी है लोगों को कि मैंने बहुत सारी गालियाँ दी उस वीडियो में. तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि दरअसल हुआ क्या था उस दिन और क्यों मैं इतना सब गाली दे रहा हूँ अपने वीडियोज़ में. तो शुरू करते हैं. तो क्या हुआ, दरअसल उस दिन मैं दोपहर को कार ड्राइव कर रहा था, तो मेरे साथ एक बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ था. तो वो इंसिडेंट की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया था उस दिन, और फिर जितने भी दो रोड रेजेस हुए तो उसमें सारा गुस्सा उन लोग पे निकल गया था मेरा. गालियों वाली फिर मैंने दी थी, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी गालियों को म्यूट कर पाऊँ, बट वो गालियाँ जो मैंने दी थी वो रिफ्लेक्स एक्शन में थी, क्योंकि मैंने जानबूझ के दी नहीं. मुझे जानबूझ के गालियाँ देना पसंद नहीं है. मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर शख्स को, किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा अपने वीडियोस में, कि जैसे रिक्शा वाले हो गए, कैब ड्राइवर्स हो गए, मैं इन लोग को टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो गंदी से गंदी ड्राइविंग कर रहे हैं, कैसे भी ड्राइविंग कर रहे हैं, दूसरे को परेशान कर रहे हैं. मेन और बात बोलनी है आपको, उस दिन एक इंसिडेंट जो हुआ था मेरे साथ, तो उसके बारे में मेरे को आपको बताना है. तो वो दरअसल जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, तो वो ऐसा था कि मैं कार ड्राइव कर रहा था और मेरे सामने एक स्विफ्ट थी, तो उसी टाइम एक बिल्ली ने रास्ता काटा, काली बिल्ली ने रास्ता काटा था और वो आदमी था तो वो रोक नहीं पाया उस टाइम, उसने ब्रेक नहीं मारी.
और वो बिल्ली की जो गर्दन थी वो उसके टायर के नीचे आ गई और बिल्ली उधर ही तड़प रही थी। तो दोस्तों वो बिल्ली उधर ही तड़प रही थी, तो मैंने वो देखा, मैंने सोचा उसको मैं बचा लूँ, हॉस्पिटल को कॉल कर दूँ। मैंने गाड़ी साइड में रोक ली थी और मैं उतर के वो बिल्ली को जैसे ही चेक करने जाने वाला था, तो एक आदमी ड्राइवर था उसने गाड़ी रोकी थी वहाँ पे, पर वो देख रहा है कि बिल्ली तड़प रही है मरने की हालत में, उसने जानबूझ के वो गाड़ी बिल्ली के ऊपर से चढ़ा दी सीधी। तो बिल्ली का जितना भी जान बाकी था, बच सकती थी बिल्ली उस टाइम, तो ड्राइवर ने सीधा चढ़ा दिया उसके ऊपर गाड़ी, और फिर बेचारी का जितना भी जान था बाकी उधर ही वो मर गई। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास गोप्रो नहीं था और फोन मेरा गाड़ी के अंदर था, तो मैं वो गाड़ी वाले का नंबर नहीं ले पाया, और कार में ड्राइव कर रहा था तो ऑफकोर्स कैमरा तो था नहीं मेरे पास, तो कुछ कर नहीं पाया वो टाइम में, तो बिल्ली की जान में बचा नहीं पाया। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आया था और वो ड्राइवर्स लोगों पे भी, तो इसी वजह से जो रोड रेज हुई तो मैं बहुत गुस्से में आ गया। फिर मैंने काफ़ी गालियाँ दी बहुत लोगों को वीडियो में, और जिन लोग को लगता है कि मैंने वो गालियाँ दे के गलत किया है, तो आप लोग को अगर बुरा लगता है कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। बट मैं एक बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं गालियाँ देना तो बंद करूँगा नहीं, क्योंकि दिस इज़ द रियल मी। ये मैं खुद अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं गालियाँ देता हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स ही मेरे। तो और एक बात आपको बोल रहा हूँ मैं कि मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो वो चैनल का नाम और लोगो बिल्कुल सेम है, तो वॉयजर इंडियन आप सर्च करो इंस्टाग्राम पे, और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो मुझसे, कुछ भी पर्सनली पूछना हो बाइक के बारे में, कार के बारे में, या कुछ भी पूछना हो आपको मेरे को, तो आप बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इंस्टाग्राम चेक कर लो मेरा, और कुछ भी क्वेश्चन जो आपको मिलना भी हो मुझसे, पर्सनली मिलना हो, तो भी मैं तैयार हूँ। तो जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगा कि मिलना है कि नहीं, तो आप मुझे बिंदास मैसेज करो कभी भी। और मैं रात के टाइम ज़्यादा फ्री होता हूँ, तो मैंने इसलिए वीडियो रात में बनाया है, और दिन के टाइम काफ़ी ट्रैफिक होता है तो आवाज़ ठीक से आ नहीं पाती, तो बस इस वजह से मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अपने एरिया में ही घूम रहा हूँ, कहीं दूर बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे आपसे एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है कि ऐसे रात के टाइम जैसे भी मैं घूम रहा हूँ तो ऐसे घूमना मत अकेले। तो मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत बुरी बात है, करनी नहीं चाहिए मुझे, बट मैं फ्री अभी था तो मैंने सोचा थोड़ा मूड है तो व्लॉग बना लेता हूँ, तो इसलिए मैं निकल पड़ा। बट फिर भी आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि रात के टाइम आप बाहर निकलो अकेले, क्योंकि रात के टाइम बिल्कुल अनसेफ है, और कहीं भी कुछ भी ऐसे एरियाज होते हैं, सुनसान एरियाज होते हैं, हालांकि ये जो सुनसान एरिया तो है नहीं, तो फिर भी आपको ख्याल रखना चाहिए। पुलिस हर वक्त हर जगह होगी, इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं आपको। तो काफ़ी इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे इंडिया में, रेप केसेस हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो उन केसेस पे मुझे सिर्फ ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, इतना ही कहना है कि जिधर भी ऐसे लोग दिखें, मैं कसम से बोलता हूँ, ऐसे रेप करने वाले अगर लोग मुझे ऐसे कोई भी दिखे रास्ते पे, कोई भी छेड़खानी कर रहे हो ऐसी लड़कियों के साथ रात की देर रात के, मैं अकेला हुआ ना तो भी कसम से भीड़ जाऊँगा उन लोगों से। मैं बाइक में सारे हथियार रखता हूँ मैं अपने पास, सेल्फ डिफेंस के, मेरे पास खुद की एयर गन भी है, कोई भी दिखा उधर ही गाड़ दूंगा मार। डर नाम की चीज नहीं मुझे इन लोगों से। तो दोस्तों यही था वीडियो में, आपको मेरे बारे में जानना था तो बस यही चीजें थी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, कोई फोर्स नहीं है आप लोगों से कि मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे हो गया है रोड रेज।
मैटर हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को बोलता हूँ कि रात के टाइम बाहर मत निकलना। अभी पुलिस है तो सेफ है हम लोग, नहीं तो ऐसे जगह सुनसान गलियां रहती, यहाँ पे बिल्कुल जाना नहीं चाहिए आप लोग को रात की देर रात के टाइम। अरे भाई क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ क्या था यहाँ पे? अच्छा मैंने ही कॉल किया था, वो भाग गई है, वो भाग गई ना, वो गलत हुआ, वो मैंने सीरियस नहीं ना, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है ना, कुछ सीरियस मतलब ऐसा कुछ मर्डर वर्डर टाइप सीरियस नहीं है ना, कुछ ऐसा सीरियस मैटर नहीं है ना, कुछ सीरियस मतलब मर्डर वर्डर कुछ कर रहे हैं लोग ऐसा नहीं है ना, मर्डर हो ही जाता है एक का, पुलिस नहीं आती तो मर्डर हो ही जाता है एक का। बराबर बराबर, चलो ठीक कॉल किया था भाई, ओके थैंक यू, गुड नाइट। तो दोस्तों रात के टाइम बिल्कुल घूमना मत। तो यही आपने जो अभी देखा क्या होता है रात के टाइम, देर रात के टाइम, अभी कितने बजे मैं बताता हूँ आपको, देखो घड़ी देखो मेरा 2:14। सो इतनी देर रात को कुछ कुछ लोग होते हैं, मेरे एज के लोग होते हैं, टीनेजर्स होते हैं जो रात को लेट घूमते हैं, तो वो लोग कृपया करके ना घूमे, घर पर रहे। मैं क्यों घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फिलहाल कैमरा है, मेरी सेफ्टी है, फिर भी मैं एरिया के अंदर ही घूम रहा हूँ, हालांकि मुझे घूमना नहीं चाहिए। तो कल दरअसल कॉलेज को छुट्टी थी इसलिए मैं निकला था बाहर थोड़ा घूमने, तो ऐसा हादसा ऐसे चीज़ें कैप्चर हो गई कैमरा में। तो आपने देखा किस तरह ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे रात के टाइम, तो ऐसी जो लड़ाई झगड़ा ये लोग करते हैं तो इसमें दूसरा कोई सिविलियन छुड़ाने जाता है तो ये लोग उसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं और गलत गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। पुलिस जब तक नहीं आती तब तक ये लोग ऐसे शांत नहीं होते। सो इंडिया इज़ नॉट सेफ। मुझे बहुत दुख होता है बोलने में कि इंडिया हमारी कंट्री सेफ नहीं है,
फॉरेन कंट्रीज भी सेफ नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा वो भी सेफ है, वो भी सेफ नहीं है दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज भी सेफ नहीं है, बट अगर बोला जाए इंडिया के बारे में तो इंडिया में ज़्यादा क्राइम्स है, ऐसे रात के टाइम ही होते हैं, तो इसी वजह से आपको देर रात को घूमना नहीं चाहिए। सो आप जो लोग भी टीनेजर्स मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देर रात के टाइम मत घूमो, प्लीज़ मत घूमो। सो चीयर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइड सेफ, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।